डियर रॉकेट्स, आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी अनह्यूमन। मूवी की शुरुआत में हमें स्कूल पढ़ने वाली एवर नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो अपनी माँ के लिए दोपहर का खाना पैक कर रही है। उसकी माँ देखती है कि एवर थोड़ा परेशान है, इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एवर अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं ठीक हूँ। फिर एवर की माँ अपने काम पर चली जाती है और एवर अपने खाने के लिए बैग में केला रख लेती है। तभी उसके बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आती है और घर के बाहर उसकी सबसे अच्छी दोस्त तमारा अपनी कार में उसका इंतजार कर रही होती है। अब एवर कार में बैठ जाती है और तमारा एवर से शिकायत करती है कि तुमने इतने ज्यादा कपड़े क्यों पहने हैं, तुम्हें थोड़े कम कपड़े पहनने चाहिए ताकि लोगों का ध्यान तुम पर ज्यादा जाए। तमारा बहुत खुश होती है क्योंकि आज वो स्कूल की तरफ से कहीं घूमने जाने वाले हैं। फिर वो एवर से अपने कुछ नए दोस्तों के बारे में बात करने लगती है। तभी एवर कहती है कि मुझे तुम्हारे नए दोस्तों के बारे में बात करने में कोई शौक नहीं है। उसके बाद एवर तमारा को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन तमारा बातें करने में इतना खो जाती है कि वो गाड़ी नहीं रोकती। एवर उसको रोकने की कोशिश करती है, तभी वो साइकिल पर सवार रेंडल नाम के लड़के को गाड़ी से टक्कर मार देती है। अब एवर रेंडल को देखने के लिए कार से बाहर निकलती है और उसके पीछे पीछे तामरा भी आ जाती है। रेंडल बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वो लगभग मरने वाला था, लेकिन जैसे ही वो तमारा को अपने सामने देखता है तो वो शांत हो जाता है। एवर रेंडल की गिरी हुई चीजों को उठाने में उसकी मदद करने लगती है, लेकिन रेंडल उससे कहता है मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। वो तमारा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से कोई उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक फेंककर मार देता है। डैनी और हंट रेंडल के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरी हुई देखकर हंसने लगते हैं। तभी डैनी की गर्लफ्रेंड जैसी तमारा से कहती है, तुम्हारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, और ये सुनकर तमारा रेंडल को छोड़कर जैसी पर ध्यान देने लगती है। डैनी हंसते हुए वहां से निकल जाता है और एवर रेंडल से पूछती है, तुम हमारे साथ स्कूल तक चलना चाहोगे, लेकिन तमारा मना कर देती है और कहती है कि मेरी कार में जगह नहीं है। फिर तमारा अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और एवर वहां से जाने से पहले एक बार फिर रेंडल से माफी मांगती है। सभी स्टूडेंट्स बस में चढ़ जाते हैं और मिस्टर लोरेंजो सभी से उनके फोन को एक बैग में डलवा देते हैं। एवर उनसे कहती है कि मेरे पास फोन नहीं है, और ये सुनकर मिस्टर लोरेंजो उसका मजाक उड़ाते हैं। वो बस में चढ़कर तमारा के पास जाकर बैठ जाती है। एवर तमारा को डांटती है कि तुमने रेंडल पर ध्यान क्यों नहीं दिया, लेकिन वो कहती है कि मैं उसको बहुत पहले से जानती हूँ। रेंडल फिर बस में चढ़ता है और डैनी उसकी गंदे शर्ट होने की वजह से उसका मजाक उड़ाता है। फिर जैसी कैंडेंस नाम की एक लड़की से बात कराई होती है और जैसी उससे कहती है कि तुम्हें काली लिपस्टिक लगानी चाहिए। कैंडेंस उसके सुझाव के लिए उसका शुक्र अदा करती है, लेकिन वो जल्दी समझ जाती है कि जैसी उसकी ब्रेसेस की वजह से उसका मजाक उड़ा रही है। रियान बस में चढ़ता है और जब रियान डैनी को घूरता है तब डैनी थोड़ा परेशान हो जाता है। अब उनका सफर शुरू हो जाता है और कुछ देर बाद लोरेंजो अपनी नींद से उठता है और देखता है कि बस गलत दिशा में जा रही है। वो ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर गुस्सा हो जाता है क्योंकि लोरेंजो उसको धमकी दे रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अब इस सब के बीच ड्राइवर का ध्यान रोड से हट जाता है और वो किसी को बस से टक्कर मार देता है। बस के शीशे पर खून फैल जाता है और बस जंगल में एक पेड़ से टकरा जाती है। कुछ स्टूडेंट्स को एक्सीडेंट की वजह से छोटी मोटी चोट लग जाती है, लेकिन कोई भी बुरी तरह से घायल नहीं होता। तभी बस के दरवाजे को कोई जोर जोर से बजा रहा होता है और सभी स्टूडेंट्स सुनकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। फिर बस के रेडियो पर एक खबर आती है कि पूरे शहर में किसी तरह का केमिकल फैल गया है। एक अजीब सा आदमी अपना हाथ बस की खिड़की पर रखता है, जिसको देखकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। वो बस के मेन दरवाजे पर खड़ा होता है और दरवाजे को जोर जोर से बजा रहा होता है। अब लोरेंजो ड्राइवर को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर दरवाजा खोलने से मना करता है। लोरेंजो ड्राइवर की ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो ड्राइवर को बहुत बुरा भला कहने लगता है। फिर उसको जबरदस्ती दरवाजा खोलना ही पड़ता है। सभी स्टूडेंट्स डर की वजह से बस के आखिर में चले जाते हैं। अब एक अजीब सा आदमी लोरेंजो पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन को अपने दांतों से काट लेता है। सभी स्टूडेंट्स डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स बस के पीछे के दरवाजे से बस से बाहर निकल जाते हैं। एवर कैंडेंस को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे बस के अंदर घसीट लेता है। अब बचे हुए स्टूडेंट्स जंगल के अंदर भाग रहे होते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो आदमी है कौन। रेंडल उन्हें सुझाव देता है कि उन सभी को छुपने के लिए पास की एक बिल्डिंग में जाना होगा, जहां पर वो सेफ रह सकते हैं। अब जैसे ही वो उस अजीब से आदमी की आवाज़ को सुनते हैं, वो दोबारा से भागना शुरू करते हैं। डैनी भागकर एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और वो एक मरे हुए घोड़े से जाकर टकराता है। वो उड़ता है तो दूसरों के साथ भागते हुए जंगल में चला जाता है। अब भागते भागते वो सभी एक अजीब सी बिल्डिंग में जाकर पहुंचते हैं और रेंडल और स्टीवन उनसे कहते हैं कि वो अजीब सा आदमी कोई और नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है। डैनी कहता है कि वो आदमी कोई ज़ॉम्बी नहीं है, और तभी उन सभी को उस आदमी की आवाज फिर से सुनाई देती है। वो सभी अलग होते हैं और हथियारों को ढूंढने लगते हैं। तमारा, जैसी और डैनी एक साथ जाती हैं और हंट, एवर, रेंडल और स्टीवन एक साथ जाते हैं और उनको एक कमरे में कुछ अजीब से हथियार मिलते हैं। डैनी रेंडल का हथियार छीन लेता है और वो मेन दरवाजे की निगरानी के लिए उसका इस्तेमाल करता है। तभी अचानक से स्टूडेंट्स को बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। अब वो समझ जाते हैं कि कैंडेंस को मदद की जरूरत है। एवर सभी से कहती है कि उन्हें कैंडेंस की मदद करनी चाहिए, लेकिन बाकी सभी उसकी बात से सहमत नहीं होते। अब ज़ॉम्बी एक कार के ऊपर खड़ा होता है और जैसे वो कैंडेंस की ओर बढ़ता है,
तभी एवर कैंडेस का ध्यान खींचने के लिए चिल्लाती है। अब बस का ड्राइवर भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है और दरवाजा तोड़कर वो अंदर आता है और सभी ड्राइवर को देखकर भाग जाते हैं। दूसरा ज़ॉम्बी भी बिल्डिंग में घुस जाता है। ज़ॉम्बी स्टूडेंट्स का पीछा करता है और वो सभी भागते हुए खुद को एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब एवर कमरे की लाइट्स ऑन करती है और तभी रयान कमरे में आकर बाकी सभी को चौंका देता है। रयान बाकी सभी को बताता है कि कैसे सभी लोगों पर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है और जिन भी लोगों को ज़ॉम्बी ने काटा है वो सभी बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहे हैं। तभी रंडाल कहता है कि जिन लोगों को ज़ॉम्बी ने काटा है वो सभी भी ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं। अब ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़कर कमरे में घुस जाते हैं और रंडाल उन सभी की वहाँ से बाहर निकलने में मदद करता है। इसी बीच हंट ज़ॉम्बीज़ से लड़ता है, जबकि डैनी पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन बाद में वो हंट की मदद भी करता है। आखिरकार वो ज़ॉम्बीज़ हंट को लेकर चले जाते हैं और डैनी एवर को बचाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो सभी भागते भागते एक अजीब से कमरे में पहुँचते हैं और डैनी सभी को बताता है कि ज़ॉम्बीज़ हंट को लेकर चले गए हैं। डैनी एवर पर आरोप लगाता है कि हंट के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम आरोपी हो और ये सब सिर्फ हम लोगों के साथ ही नहीं हो रहा है। वो सब एक कमरे को अच्छे से देख लेते हैं और उनको कमरे के अंदर कुछ पुतले दिखाई देते हैं जो बिल्कुल उनके तरह दिख रहे होते हैं। ड्राइवर कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और डैनी ड्राइवर को नीचे गिराता है और उसको मारने भी लगता है। इसी बीच एवर को ड्राइवर के जेब में एक लेटर मिलता है और वो उसको अपने पास रख लेती है। डैनी अचानक से अब अजीब सा बर्ताव करने लगता है और कहता है कि मेरा शरीर ठंडा है। फिर डैनी एक पुतले से जैकेट ले लेता है और उसको पहन लेता है। रंडाल समझ जाता है कि डैनी को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। फिर डैनी कमरे से बाहर निकल जाता है और सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर चला जाता है। डैनी का व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा होने लग जाता है और वो रियान के वजन के लिए उसकी बेइज्जती भी करता है। इसी बीच ड्राइवर एक बार फिर से दरवाजा तोड़कर कमरे में आता है। रियान उसके रास्ते से हट जाता है और ड्राइवर डैनी को खिड़की से धक्का दे देता है। सभी डैनी और ड्राइवर को नीचे जमीन पर गिरे हुए देखते हैं और तभी अचानक से डैनी अजीब तरह से उठता है और वहां से भाग जाता है। रैंडल कहते हैं कि हम सभी के लिए बिल्डिंग छोड़ना बहुत ही खतरनाक है और हमें खुद को इस बिल्डिंग में बंद कर लेना चाहिए। एवर मना करती है और कहती है कि हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि हम में से किसी के पास भी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि हमें बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि बाहर हमें मदद मिल सकती है। और तभी रैंडल एवर से पूछता है कि तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। एवर कहती है कि हम सभी को मिलकर ज़ॉम्बीज़ को किसी तरह से बिल्डिंग के एक तरफ ले जाना चाहिए और बिल्डिंग के दूसरी तरफ से भागकर निकल जाना चाहिए। लेकिन रैंडल एवर पर चिल्लाता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या और तुम हम सबको जान से मरवाओगे बस और कुछ नहीं। लेकिन एवर भी रैंडल की बात सुनने से मना कर देती है और वो आग की मदद से ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करने का प्लान बनाती है। उसी रात एवर स्प्रे के कुछ डब्बों को इकट्ठा करती है और उनमें लाइटर की मदद से आग लगा देती है। एवर उनको एक वैन के ऊपर फेंकती है जिससे वैन में आग लग जाती है और एवर भागकर फिर तमारा के पास जाती है। तमारा कहती है कि तुम्हें बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए लेकिन एवर उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। और स्टीवन भी उसके साथ जाने का फैसला करता है। स्टीवन एवर से पूछता है कि अगर जंगल में और ज़ॉम्बीज़ आ गए तब क्या होगा। तब एवर उससे कहती है कि हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। फिर दोनों चोरी छुपे बिल्डिंग से बाहर निकल कर जंगल में बस के पास पहुँच जाते हैं। स्टीवन एवर की बस में चढ़ने में मदद करता है। एवर बस के अंदर रेंकर चल रही होती है और तभी उसके सामने से खून से सना हुआ हाथ आता है। हालांकि एवर उस बैग तक पहुंच जाती है जिसमें फोन रखे हुए होते हैं लेकिन वो देखती है कि सभी फोन टूट चुके हैं। अब ये देखकर वो बहुत ही उदास हो जाती है क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता। तभी स्टीवन उसके बगल में बैठता है और कहता है तुम बुरा मत मानो, मैं जानता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। फिर कुछ देर उससे बात करने के बाद एवर उसे किस करने की कोशिश करती है लेकिन स्टीवन हिचकिचाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके मुंह के अंदर से बदबू आ रही है। दोनों किस करने वाले होते हैं तभी एवर की नज़र रेडियो की ओर जाती है। एवर रेडियो चैनल बदलकर ये जानने की कोशिश करती है कि अभी तक बाहर की हालत कैसे है। तभी गलती से वो रेडियो में लगी एक टेप को चला देती है जिसमें वही आपातकालीन स्थिति के बारे में न्यूज चल रही होती है जो उन्होंने पहले सुनी थी। तभी स्टीवन एक अजीब से केमिकल का इंजेक्शन एवर की गर्दन पर मार देता है। अब एवर को चक्कर आने लग जाते हैं और वो जमीन पर ही गिर जाती है। इसी बीच स्टीवन उससे माफी मांगता रहता है। रैंडल बस के अंदर आता है और स्टीवन से बात करता है। अब दिखाते हैं कि इन दोनों ने क्या प्लान किया था। कुछ हफ्ते पहले रैंडल स्टीवन को बताता है मेरे पास एक योजना है जिससे हमें जितने भी बच्चे परेशान करते हैं वो हमें फिर कभी परेशान नहीं करेंगे और हम दोनों को सभी हीरो मानेंगे। वो दोनों बिल्डिंग में अपनी योजना बनाना शुरू कर देते हैं और रैंडल स्टीवन को बताता है मैंने हम दोनों की मदद के लिए चिप नाम के एक आदमी को काम पर रखा हुआ है। फिर चिप बस के अंदर आता है और अपना मास्क उतारता है। उन दोनों ने मिलकर पुतलों को बिल्डिंग में रखा और बस का ड्राइवर भी उसकी योजना में शामिल था। अब एवर समझ जाती है कि ये ज़ॉम्बीज़ नहीं है लेकिन चिप आके स्टूडेंट्स को एक अजीब सी दवाई की मदद से काबू कर रहा होता है। अब एवर को याद आता है जब तमारा ने रैंडल को कार से टक्कर मारी थी तभी रैंडल के बैग से कुछ चीजें गिरी थी और उसकी कॉपी में कुछ अजीब तस्वीर भी बनी हुई थी। अब यहाँ स्टीवन रैंडल और चिप पर चिल्लाता है क्योंकि उनकी योजना की वजह से बस का ड्राइवर मारा गया। चिप उनसे कहता है कि मैं अपना काम कर चुका हूँ और सभी स्टूडेंट्स को मैंने एक पिंजरे में बंद कर दिया है। सभी स्टूडेंट्स हमारी योजना के बारे में जानते हैं इसीलिए हमें सभी स्टूडेंट्स को जान से मारना होगा ताकि हम में से कोई जेल न जाए।
रैंडल और चिप बस से बाहर चले जाते हैं और रैंडल स्टीवन से कहता है कि तुम एवर को जान से मार दो क्योंकि अब वो हमारी योजना के बारे में सब कुछ जानती है। फिर रैंडल और स्टीवन वापस चले जाते हैं और चिप बस के अंदर ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है। एवर बेहोश हो जाती है और लोरेंजो उससे कहता है कि एवर अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो चिप तुम्हें जान से मार देगा। अब यहाँ रैंडल दरवाजा खोलता है, बाकी सभी स्टूडेंट्स पिंजरे में बंद होते हैं और जिस दवाई का इंजेक्शन उन्होंने दिया होता है वो अब खत्म हो गई है। एवर रेंगते हुए बस से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन चिप उस पर हमला कर देता है। लोरेंजो उसको याद दिलाता है कि तुम हार मत मानो, तुम्हें अब कुछ करना पड़ेगा। फिर एवर अपने सर से चिप को टक्कर मारती है और एक बड़ा सा रेडियो उठाकर उसके सर पर मार देती है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। स्टीवन एक बार फिर से स्टूडेंट्स को दवाई वाला इंजेक्शन लगा देता है और रैंडल उस कमरे से बाहर चला जाता है। तमारा रैंडल के पास जाती है और वो तमारा को बताता है कि ज़ॉम्बीज ने एवर को मार दिया है। बेचारी तमारा रोते हुए उसको गले लगा लेती है और रैंडल उसको शांत करता है। रैंडल तमारा से पूछता है कि बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं। तब तमारा बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स को ढूंढने में उसकी मदद करती है। इसी दौरान एवर उठकर बस से बाहर निकलती है। एवर बिल्डिंग की ओर भागती है ताकि वो रैंडल और स्टीवन को बाकी स्टूडेंट्स को मारने से रोक सके। यहाँ रैंडल बाकी सभी को बता देता है मैंने ज़ॉम्बीज को एक कमरे में बंद कर दिया है और हम सभी को जिंदा रहने के लिए उन्हें मरना होगा। रैंडल सभी को हथियार देता है और इसी बीच एवर उस कमरे में पहुंच जाती है जहां स्टीवन होता है। रैंडल दरवाजा खोलता है और बाकी सभी बच्चे में स्टूडेंट्स हमला करने वाले होते हैं कि तभी एवर उन्हें हमला करने से रोक देती है और उन्हें बताती है ये सब स्टीवन और रैंडल की चाल है ताकि वो हम सभी को मार सके। तमारा को एवर पर विश्वास होता है और वो अपने पैर से रैंडल के सर पर मारती है। स्टीवन एवर के पीठ पीछे इंजेक्शन मारने की कोशिश करता है लेकिन डैनी और बाकी सभी उसको पकड़कर पिंजरे में खींच देते हैं और उसको खूब पीटने लगते हैं। रैंडल उठता है और अपनी तलवार से एवर पर हमला कर देता है। तभी एवर एक लोहे के डंडे से अपने आप को बचा देती है और तमारा एवर की मदद करने के लिए भाग कर आती है। फिर रैंडल तलवार की मदद से उसके पैड को ही तोड़ देता है और वो उनको मारने वाला होता है कि तभी डैनी बीच में आ जाता है और उसे तलवार लग जाती है। अब जैसी लोहे के डंडे को उठाती है और रैंडल के सर पर जोर से मारती है, रैंडल फिर दोबारा उठता है और इस बार एवर दवाई का इंजेक्शन उठाती है और रैंडल के सर पर बहुत सारे इंजेक्शन मार देती है। फिर वो रैंडल को सीढ़ियों से धक्का दे देती है और तमारा भागकर एवर के पास आती है। रैंडल फिर से कमरे में आता है और इस बार दवाई की वजह से वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है। फिर सभी लड़कियां उठती है और रैंडल को खूब पीटने लगती है। जब रैंडल उनसे लड़ने लगता है तभी रयान रैंडल से लड़ने लगता है। अब एवर तलवार उठाती है और रैंडल को खत्म कर देती है। अब अगली सुबह देखते हैं तो सभी स्टूडेंट्स अपने बीच सारी लड़ाई खत्म कर देते हैं और एक साथ बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। डैनी हंट को बताता है कि रियान और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे जब हम मोटे थे लेकिन जब मैंने अपना वजन कम कर दिया तब मैं थोड़ा मतलबी हो गया और रियान से दोस्ती खत्म कर दी। एवर और तमारा एक साथ बैठे होते हैं और तमारा एवर से कहती है मुझे माफ कर दो क्योंकि जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था। एवर उसको माफ कर देती है। अब सभी स्टूडेंट्स बस के पास वापस जाते हैं और कुछ ही देर की मेहनत के बाद वो सभी बस को ठीक भी कर देते हैं। अचानक से लोरेंजो उठता है और सभी को चौंका देता है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म।